सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम अपने चैनल पे एक ऐसे पशुपालक की वीडियो लेके आए हैं जो कि जो भी भाई सोशल मीडिया के उपयोग से पशुपालन को आगे बढ़ा रहे हैं, शायद ही कोई चेहरा होगा जो भाई को नहीं जानता होगा। तो वीडियो को आगे चलाएं और एक एक एनिमल के बारे में डिटेल से पूछें। उससे पहले मैं कहूंगा, जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं नरेंद्र भाई के फार्म पर हूँ। इससे पहले हमारे चैनल पर इनकी वीडियोज़ काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन आज सौभाग्य से पहली बार इनके फार्म पे वीडियो कवर करने का मौका मिला है। तो मैं भाई से आपको आगे मिलवाता हूं और आज इनसे पूछते हैं कि कितने पशु इनके पास हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अपना गांव कौन सा है? गांव बाणा भाई साहब, तहसील पुंडरी है, जिला कैथल। जिला कैथल हरियाणा में। तो आज अपने पास टोटल कितने एनिमल है? 30 के पास है भाई साहब आज अपने पास। अच्छा, ये एनिमल सबसे पहले ये बताएं, सेल हो चुके हैं या सेल के लिए हैं? सेल हो चुके हैं भाई साहब। सेल हो चुके हैं। हाँ। वैसे आप लोग भाई अभी सेल के बनवा के मेरे चैनल पे कमेंट चालू करवाओगे ताकि फिर पब्लिक बोलेगी कि सेल के एनिमल का क्या फायदा। लेकिन उन पशुपालकों के लिए ये वीडियो काफी खास होगी जो बाहर से एक साथ लोट लेना चाहते हैं और वो देखें कि कैसे कैसे पशु आपको आगे हम वीडियो में एक एक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे भैंसे भाई साहब, कौन से ब्यांत में है नरेंद्र? तीसरे ब्यांत में भाई साहब, उसका चौथे भी हो। अच्छा, दूध कितना तैयार है? 14 लीटर दूध तैयार है भाई साहब, तीसरे दिन की भी आई है। ठीक ठीक ठीक। बच्चा क्या है साथ में? मेल है भाई साहब। तो इसके साथ में ये मेल काफ है। इतने पशु एक साथ खोल के दिखा नहीं सकते, लेकिन हर पशु क्वालिटी वाइज काफी शानदार है। देखिए जो अडर की क्वालिटी है, थन बिल्कुल चारों थन अलग अलग, और हर पशु एक एक करके हम दिखाएं भी गए और कुछ पशु आपको खोल के भी दिखाएंगे। ये जोटी भाई साहब, ये तीसरे ब्यांत में भाई साहब। अच्छा, इसको कितना टाइम हो गया बच्चा दी? इसको आज चौथा दिन हो गया भाई साहब। साथ में बच्चा क्या है? मेल है भाई साहब। मेल काफ। कितना दूध तैयार है इसमें? इसमें 14 लीटर दूध तैयार है भाई साहब, बोले से खाली होते ही। ठीक ठीक। 14 लीटर दूध बोले से खाली होते ही। साथ ही में जो इसकी अडर की क्वालिटी है वो मैं कहूंगा कि अंदर की और टाइट अडर में है जोटी। जब दूध पे जाती जाएगी, पीक पे आएगी पूरी, तो पैर हैं वो बिल्कुल दोनों खुल जाएंगे क्योंकि अडर काफ़ी चौड़ा करेगी, पैर के बीच का ही रखेगी। और दूध वाली जोटी है, जो इसकी चमड़ी है बिल्कुल पतली है, सिंगल हड्डी की जोटी है। काफ़ी पशुपालकों की डिमांड रहती है और जो दूध वाला पशु है उसके अंदर देखिए बिल्कुल जो चमड़ी का कलर है वो बिल्कुल जेड ब्लैक, और जो इसकी क्वालिटी है सींग की वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आगे हम अगली जोटी के बारे में भाई से पूछते हैं। ये जोटी भाई साहब, ये पहले ब्यांत में भाई साहब, दो दांत। हाँ जी। नीचे मेल काफ है। हाँ जी। और बोले से खाली होते ही 10-11 लीटर दूध मौके पे तैयार है। ठीक है। बच्चा क्या है साथ में भाई साहब? मेल काफ है भाई साहब। मेल काफ। तो इनके काफ हैं वो आगे बंधे हुए हैं क्योंकि इतने पशुओं में साथ ही में काफ रखने पड़ते हैं। देखिये जो सींग की क्वालिटी है बिल्कुल शो क्वालिटी का सींग, हाइट मीडियम ही कहेंगे हम, ज्यादा नहीं है लेकिन जितनी है उतनी अच्छी है जोटी। टेल में कुछ बाल व्हाइट है और बिल्कुल प्योर मुर्रा की। साथ में देखिए जो पहले ब्यांत में जो इसकी थनों की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, पसमे पे ये थन काफ़ी सुंदर निकलता होगा। तो आगे भाई साहब इस जोटी के बारे में बताएं। ये सेकंड ब्यांत की है भाई साहब। सेकंड ब्यांत की। नीचे फीमेल काफ है। हाँ जी। और 12 लीटर दूध तैयार है भाई साहब, 4 दिन की ब्याई में। 4 दिन की ब्याई हुई में। हर पशु क्वालिटी वाइज भाई का अच्छा है और वैसे भी जहाँ तक देखा जाए हमारे चैनल पे भाई की जितनी भी वीडियोस आई हैं काफ़ी अच्छी चली हैं क्योंकि सिलेक्टेड एनिमल रखते हैं। तो देखिए हर पशु साफ सुथरे आर्डर का है और साथ ही में पीठ की चौड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी है। और एक एक पशु इस टाइम में खरीदना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी बच्चा कम दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी है जोटी, मीडियम हाइट से, तकरीबन हाइट न मीडियम कहेंगे न ज़्यादा ऊँची कहेंगे। तो सींग की क्वालिटी आप देख पा रहे हैं काफ़ी छोटे सींग की है। तो भाई साहब ये जोटी कौन से ब्यांत में है? ये दूसरे ब्यांत में है मंजीत भाई। दूसरे ब्यांत में। अभी इसमें को कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? इसको आज 7-8 दिन ब्याई को हो गया भाई साहब, 14 लीटर दूध तैयार है इसमें। नीचे अच्छा, फीमेल काफ है। फीमेल काफ। हाँ। तो थोड़ा इस साइड बोलना भाई इसको। तो जोटी काफी अच्छी है और पीठ भी अच्छी है, थोड़ा बाई लग रही है अभी थनों के अंदर, लेकिन वैसे अडर अच्छा है, आगे की तरफ लंबाई अडर में ज्यादा है। साथ ही में काफ और पशुपालक भाई देख पा रहे होंगे हर पशु की जो सिंगों की क्वालिटी है, मैं आपको सामने से दिखाना चाहूँगा क्योंकि पीछे पशु ज़्यादा हैं और एक एक पशु को खोल के दिखाना बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो नरेंद्र भाई ये जोटी,
ये सेकंड लैक्टेशन में भाई साहब नीचे फीमेल काफ है, 18 लीटर दूध तैयार है मौके पे। अच्छा जी, 13 दिन की ब्याई होगी। ठीक ठीक, एक बार इसको खुलवाओ भाई साहब। खोल दे भाई। तो काफी अच्छे अडर क्वालिटी है इसकी, और मैं कहूंगा कि चुनिंदा पशु है। टेल थोड़ी वाइट ज्यादा है, लेकिन जो भाई लेके जा रहे हैं, मैं कहूंगा कि अगर हरियाणा के अंदर आप अच्छे पशु खरीद रहे हैं, तो अगर पूर्णतः उसके अंदर मुर्रा के कैरेक्टर हर एक होगा, तो उसकी पेमेंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसके ऊपर आप अच्छे सीमन कलेक्ट करवा के और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे काफ ले सकते हैं जोटी से। तो इसके साथ में काफ क्या है भाई? इसके फीमेल काफ है नीचे। फीमेल काफ, तो देखिए जो सींग की क्वालिटी है, और हरियाणा जिसको मुर्रा की खान माना गया है, उसके अंदर एक से एक शानदार नायाब नगीने ऐसे ही आपको आगे भी हम कोशिश करेंगे कि देखने को मिले। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है जोटी, सींग से, शरीर से, और मैं कहूँगा कि अडर की क्वालिटी तो काफ़ी शानदार है। तो देखिए बिल्कुल मुट्ठी का थन है, और अभी से टाइम दोपहर का टाइम है, 12 बजे के आसपास का, और शाम तक जोटी काफ़ी अच्छा अडर बना लेगी। तो आगे भाई साहब बूरी भैंस ये, इसमें भाई साहब 18 लीटर दूध तैयार है, 15 दिन की ब्याई है, नीचे कटड़ी है। ब्यांत कौन सा है भाई? तीसरे ब्यांत में भाई साहब, ये तीसरे ब्यांत में। तो काफ़ी हैवी बॉडी वेट है इसका, शरीर बिल्कुल खुले शरीर की, और छोटा सींग, और बूरी भैंस की डिमांड काफ़ी रहती है। जो पशुपालक भाई, थोड़ा इस साइड बोलो भाई, इसको एक बार इसको खुलवा लो भाई। साथ में बच्चा कटड़ी है? हाँ, कटड़ी है भाई। तो पशुपालक भाई जो बूरी के बारे में पूछते हैं, मैं कहूँगा जो नहीं, लेकिन जो पशु सेट नहीं हो पाते उनके लिए बूरी भैंस काफ़ी शुभ मानी गई है। तो इसमें शरीर की लंबाई, ऊंचाई और टाइट आर्डर में है, और अभी दूध की प्रोडक्शन अभी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो भाई साहब इससे कितने दूध की उम्मीद कर रहे हो आप वीक पे? पूरा भाई साहब 21-22 लीटर दूध। 21-22 लीटर, शरीर भी काफ़ी हैवी है, लग भी रहा है दूध निकाल देगी जोटी। और जो खुला आर्डर है, ज़्यादा बड़ा आर्डर है, उससे दूध निकलने की कोई वो नहीं कि बड़ा आर्डर हो तभी दूध दे। इसका पैर के बीच का है, काफ़ी अच्छी जो थनों की क्वालिटी, चुआई साफ सुथरी होगी भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, फुल्ली चुआई। ठीक ठीक ठीक, तो आगे ये लास्ट में जो ये तीसरे ब्यांत में भाई साहब 14 लीटर दूध तैयार है इसमें। अच्छा, साथ में काफ क्या है? मेल है भाई साहब। मेल, तो सींग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हर पशुपालक जो भी वीडियो देख रहा है, एक एक पशु करीब से दिखाने का मतलब यही है, हमारी वीडियो को देख के जो पेमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बायर पशु को आराम से देखें। साथ ही में जिस भाई ने ली हैं, भाई से मेरी बात हुई थी, उनके कहने पे वीडियो कवर हो रही है, क्योंकि सेल होने के बाद वीडियो मैं वैसे कम ही बनाता हूँ। भाई साहब अमूमन किस रेंज से किस रेंज तक के पशु हैं आपकी? ये भाई साहब 80,000 से लेके 120 तक की रेंज में है सभी। 120 तक की, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है हर पशु, क्वालिटी वाइज। और देखिए हर पशु की हाइट और लेंथ देखिए, जो साफ़ सुथरे जो क्वालिटी है नीचे से लेके, और दूध वाले पशु के जितने करेक्टर हैं वो हर पशु में लग रहे हैं। और इतने पशुओं में एक आध पशु अगर दूध निकालने में अगर थोड़ा बहुत कम भी रहे, तो मैं कहूँगा कि कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान नहीं, हम भी इंसान हैं, और अच्छे पशुओं का सिलेक्शन करने में हो जाता है। लेकिन जो देखिए पहले ब्यांत की जोटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। तो भाई साहब ये जोटी कौन से ब्यांत में है? ये दूसरे ब्यांत में भाई साहब, बोले से खाली होके आई है अभी। अच्छा, साथ में बच्चा क्या है? मिल्क का है भाई साहब। वैसे मिल्क की प्रोडक्शन क्या उम्मीद है, क्या आपने बातचीत की? 13-14 लीटर लग भी रहा है अडर, थोड़ा लंबाई भी है अडर में, हाइट मीडियम है, लेकिन सींग बिल्कुल छोटे सींग की, और जो मैं कहूँगा कि हाइट कम है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स के अंदर मुर्रा के सारे हैं। टेल नीचे से कुछ बाल ही वाइट हैं, और आगे भाई की और भी पशु दिखा रहे हैं। ये भाई साहब ये जोटी, ये भाई साहब पहले ब्यांत में है, खीरी है ये। खीरी? हाँ। अच्छा, और आज तीसरे दिन की ब्याई है, 8 लीटर दूध मौके पर तैयार भी है। ठीक ठीक ठीक, तो जो इसकी नीचे से क्वालिटी है वो मीडियम है जोटी, लेकिन जितनी है उतनी अच्छी है। आगे के थनों के ऊपर थोड़ा अभी दूध रहेगा लग रहा है, आगे की साइड वो है भाई। तो ये जोटी भाई साहब, ये भी पहले ब्यांत में भाई साहब, नीचे फीमेल काफ है, 11 लीटर दूध मौके पे तैयार है। ठीक ठीक, लगभग किस रेट की होगी ये भाई साहब? 90,000 रुपये की देगी। ठीक ठीक ठीक, तो ये भाई साहब ये तीसरे ब्यांत में भाई साहब, बोले से खाली होके आई है अभी। अभी कितना दूध की क्या उम्मीद बताई आपने जहाँ से खरीदी है? निकाल देगी भाई साहब 12-13 लीटर दूध आराम से निकाल देगी, वैसे भी शरीर काफ़ी उच्ची तगड़ी है। तो ये जो भाई बाहर से आए हैं आपके पास, ये पशु सिलेक्शन किया है, वो दूध बेचने के लिए या पशुओं को ले जाके अपने घर भी सेल करेंगे? दूध का काम है भाई साहब इनका। अच्छा, दूध के हिसाब से पशु अच्छे हैं, क्योंकि हर पशु एक जैसा, इतने पशु चुनाव करना बहुत मुश्किल है। और साथ
में एक एक पशु के देखा जाए तकरीबन फीमेल काफी है। ये जोटी भाई ये भी दूसरे ब्याह में भाई साहब। अच्छा अच्छा कच्ची ब्याह है भाई साहब ये। ठीक ठीक। और ये आज 7-8 दिन की ब्याह होगी भाई साहब। मेल काफ है इसके नीचे। ठीक ठीक। 12-13 लीटर दूध मौके पे तैयार है। ठीक ठीक ठीक। तो आगे इस जोटी के बारे में और बताएं भाई। ये भाई साहब 7-8 दिन की सुई है। अच्छा सारी कच्ची है। हाँ हाँ सारी कच्ची। तो देखिए नीचे से टाइट आर्डर में जो ये इस टाइप का आर्डर है वो दूध निकालने में काफी अच्छा होता है, क्योंकि बड़े आर्डर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ ही जाती है बैठने पे भी वैसे थन वगैरह में, लेकिन टाइट आर्डर का पशु है उसकी कोई लिमिट नहीं लगा सकते हम दूध निकालने की, वो चाहे गाय हो या भैंस हो। ये भाई साहब 15 लीटर दूध तैयार है भाई साहब दूसरे ब्याह में। नीचे फीमेल काफ है। ठीक ठीक ठीक। तो आगे एक जो ये इसके बारे में और बताएं। ये बोड़े में है भाई साहब। ठीक ठीक। तो जो पशुपालक भाई वीडियो देख रहे हैं, हम हर वीडियो में अगर पशु बिके हुए होते हैं तो हम जो लेने वाला बायर है उससे ज़रूर पूछते हैं, ताकि जो आगे जो भी पशुपालक भाई इनसे वीडियो देख के पशु लेना चाहे या आना चाहे तो वो संतुष्ट हो। तो आगे हम भाई जहाँ से जो ये भाई आए हैं इन्होंने इनसे पशु लिए हैं इनसे आपको मिलवाते हैं और पूछते हैं कि कैसा नरेंद्र भाई का व्यवहार रहा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा धर्म बागेवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र। कि आपने यहाँ से पशु लिए हैं? हाँ। आप कितने दिन से नरेंद्र भाई के पास हो? 4 दिन से। वो यहाँ आने के बाद इन्होंने पशु अपने घर से दिए या बाहर से भी दिलाए? बाहर से दिलवाए। बाहर से दिलवाए हैं। तो व्यवहार कैसा रहा? बहुत बढ़िया है भाई। मार्केट में सर्वे की भाई के साथ घूम के बाहर जब घूमे वहाँ पे लोगों का व्यवहार भाई नरेंद्र के बारे में कैसा था, क्या बताया? बहुत बढ़िया। पशु आपने खुद चोके लिए? ना चोके लिए भाई। ठीक ठीक। तो आप जो यहाँ से पशु लेके जा रहे हो संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट है। तो नरेंद्र भाई मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा भाई, यहाँ आए आपने पशु दिलाए तो आपने अपने घर से कितने पशु दिए और बाहर से कितने पशु दिए? भाई साहब जो तो 12-13 भैंस है वो मेरे घर से थी। हाँ हाँ। और जैसे कम थी इनकी 20 भैंस पूरी नहीं हुई थी। हुँ। तो 8 भैंस से आज इसमें खड़ी है जो वो बाहर से है। अच्छा। और 10 भैंस मैंने कल इनकी लोड करके भेज दी है। अच्छा अच्छा। तो इतनी जगह नहीं थी। हाँ जगह की थोड़ी समस्या है आपके पास रख सके यहाँ। ठीक ठीक। तो आगे जो आपसे पशु लेना चाहे कोई भी पशुपालक वो अगर एक लोट लेना चाहता है या एक भैंस लेना चाहता है उसके लिए आपका क्या सिस्टम है, कैसे देते हो? एडवांस में पेमेंट होती है या पशुपालक को यहाँ बुलाते हो? यहाँ पे आओ 2-3 टाइम मिल्किंग करो उसके बाद संतुष्टि होने के बाद पशु की यस करो। ठीक ठीक। वैसे भी जहाँ तक देखा जाए भाई का व्यवहार काफी अच्छा है, क्योंकि हम वीडियो बनाने आते हैं हमारा भी तजुर्बा है इतना, पशुपालक को देख के हम बता सकते हैं। तो भाई ने डिटेल बताई इन्होंने इनसे पशु लिए। तो भाई साहब एक बार अपना संपर्क नंबर बताओ ताकि जो आगे जो भी भाई आपसे पशु लेना चाहे। 965। हाँ जी। 00636। ठीक ठीक। और एक नंबर 942। हाँ हाँ। 00034। ठीक ठीक ठीक। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं देखिए ये सभी पशु कोल्हापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हम हरियाणा में जो वीडियो कवर करके अच्छे अच्छे पशु दिखाते हैं और बाहर से बाहर आ रहे हैं जो भी भाई हरियाणा के पशुपालक पशु सेल कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा साफ़ सुथरा काम करें, अच्छा करें। और बाहर से आने वाले भाइयों को भी बताऊँगा कि कम पशु रखें, सेलेक्टेड रखें, अच्छे दूध के रखें, क्योंकि पेमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है और एक किसान बंदा ही होगा जो भैंस लेने में सक्षम हो पाता है, क्योंकि कोई भी बड़ा पशुपालक या बिजनेसमैन पशु नहीं लेगा, तो आम पशुपालक ही लेने वाला है और आम पशुपालक ही इनको पशु देने वाला है। तो मैं उन भाइयों को कहूँगा कि आप नरेंद्र भाई से अगर पशु लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे इनका नंबर भी चल रहा है और हमारा जो वीडियोज़ के माध्यम से जो एक प्रयास है कि ऐसे युवा जो ईमानदारी से साफ सुथरा काम करें वो निकल के आगे आए, क्योंकि आजकल जो नया बंदा पशुपालन में आ रहा है या किसी भी फील्ड में उसको दबाने के प्रयास काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो वो भाई अपना काम साफ सुथरी तरीके से करें और नरेंद्र भाई का नंबर स्क्रीन पे फिर से कहूँगा चल रहा है, इनके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो वो इनसे संपर्क कर सकता है। लास्ट में जो भी भाई देश विदेश में हमारी वीडियोस देखते हैं मैं सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं कहूँगा कि अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो इनको शेयर ज़रूर करें। लास्ट में सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।